हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7 और हम जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और ही एकदम न्यू नाश्ता बनाने। तो दोस्तों, इसे जापान में ओनिगिरी कहते हैं और मैंने एक जापानी यूट्यूबर के वीडियो में मैंने देखा था। तो हमने सोचा कि ये डिश आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। हो सकता है कुछ लोग जानते हों, कुछ लोग ना जानते हों, लेकिन मैं आपको बताऊंगी और बना के दिखाऊंगी कि कैसे बनता है। दोस्तों, ये बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है बनाने में। बिल्कुल कुल मिला के ये जानिए कि आप अगर मैगी बना रहे हैं तो मैगी के रिप्लेस में ये ज़्यादा पौष्टिक, बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये हम बना रहे हैं चावल, जिस तरह से हमारे भारतीय घरों में चावल बनता है, एकदम सिंपली नॉर्मली तरीके से चावल आप बना लीजिए। ये देखिए, मेरा चावल बन रहा है और इसमें कुछ नहीं करना है। चावल बनने के बाद ये देखिए, चावल मेरा बन गया है। तो इसको प्लेट में निकालेंगे, एकदम गरम गरम ही, जितना कि मतलब गर्मी इसकी सह सकें, जले ना हाथ। तो निकाल लेंगे प्लेट में नॉर्मली। इसके बाद इसमें हल्का सा नमक मिलाएंगे, जितना हमें ज़रूरत होगी। ये देखिए, प्लेट में चावल निकाल लीजिए आप। और इसमें ये खटाई का मसाला है, जैसा कि हमारे भारतीय घरों में लगभग लगभग हर घर में खटाई अचार रहता है। तो ये खटाई का मसाला हमने मिलाया है। आप आमचूर भी मिला सकते हैं या खटाई अचार का मसाला भी मिलाए, ये थोड़ा टेस्टी हो जाएगा। वैसे ये बनता है बिल्कुल सिंपली, हल्का सा नमक लगा के बनता है, बट ये खटाई का चूर्ण, ये मसाला मैंने अपने हिसाब से मिला दिया है अपने टेस्ट बढ़ाने के लिए। और ये देखिए, बीच में होल करके इसमें हम एक अचार का टुकड़ा डाल देंगे। कटहल का अचार है, आप कोई भी अचार डाल सकते हैं इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए। और ये देखिए, खूब दबा दबा के इसका बॉल बनाएंगे, जिससे कि फूटे ना। और जब चावल गर्म रहता है तो सॉलिड भी बनता है एकदम से। और ये देखिए, हाथ में पानी लगा लेंगे, जिससे कि सॉलिड बने और पूरा बॉल सही से बने और हाथ जले भी ना। ये देखिए, मैंने बॉल बना लिया है, ये देखिए। और इसमें हरा धनिया काट के हमने डाल दिया था इसके टेस्ट के लिए, और थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे जिससे। और ये मेरा देखिए, राइस बॉल बन के तैयार हो गया है। और इसको अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या बच्चों के टिफिन के लिए, लंच के लिए, बहुत ही इजी डिश है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो और ये राइस बॉल या मेरी नई डिश आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय।